यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर शेयर करेंगे। इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए हैं। इंडस मोटर कंपनी के सरबरा थे अली हबीब, हाउस ऑफ हबीब, हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिनसे इनका ताल्लुक था। अली सुलेमान हबीब इंतकाल कर गए हैं। चेयरमैन थे अली सुलेमान हबीब, हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज से भी इनका ताल्लुक है, क्योंकि जैसे इंडस मोटर कंपनी मुबशर ने देखने वालों को बताते चले कि एक मुश्तरका जॉइंट वेंचर है बिटवीन हाउस ऑफ हबीब एंड टोयोटा मोटर्स। तो इंडस मोटर कंपनी के सरबरा हैं अली हबीब, जो कि इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि अली हबीब इंडस मोटर कंपनी के चेयरमैन और बानी डायरेक्टर थे। इसके साथ साथ वो थल लिमिटेड, शबीर टाइल्स एंड सरमैक्स, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन की हैसियत से काम कर रहे थे। अली हबीब ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीएमडी प्रोग्राम में भी शिरकत की थी। इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, निहायत ही अफसोसनाक खबर, क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है, क्योंकि वो तो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, तरक्की में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। उन्होंने एज ए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर, और अभी रिसेंटली जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के एडवाइज़र के तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली और उनके उनको जो है उनके लवाहिकीन को हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए कि इतना बड़ा लॉस जो है वो उसको बेयर कर सकें। अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए। आरिफ हबीब साहब, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप उनकी शख्सियत पर भी रोशनी डालें, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो कारोबार में उनकी खिदमात हैं उनसे भी ज़रा हमें आगाह कीजिएगा हमारे देखने वालों को। आई थिंक ये जो फैमिली है, उस फैमिली का तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहसान आते हैं हबीब फैमिली के। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है बिजनेसेस की डेवलपमेंट में, आपको पता है कि ये वो फैमिली है जिन्होंने पाकिस्तान में जो है वो हबीब बैंक लाए, और हबीब बैंक के बाद फिर डिफरेंट एरियाज में जो है ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, मुख्तलिफ एरियाज में जो है उनके जो है इनकी फैमिली के जो कारोबार हैं। और इन्होंने ख़ास तौर पर जो है इंडस मोटर को जो है वो बहुत ही एबली लीड किया, और आई थिंक उनकी जो है वो कमी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान महसूस करेगा, और उसके लिए जो है वो हम सब जो है वो गमजदा हैं। और उनको मतलब जाहिर है वो बहुत ही निडर शख्स थे, वो अपने जो भी अपने ख्यालात होते थे वो बरमला उनका इजहार करते थे, और बड़े नेशनलिस्ट थे। जब भी वो डिस्कशन होती थी तो हमेशा ये कहते थे कि जो है वो कोई भी पर्सनल अपनी जो है इश्यूज और प्रॉब्लम पे बात नहीं करेगा, और नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं उस पर बात होनी चाहिए, और उसके लिए जो है तजावीज होनी चाहिए। और बड़े जो है वो अपनी अपनी जो व्यूज होते थे उसको वो पॉलिसी मेकर्स के सामने जो है वो बड़े दबंग अंदाज में जो है वो प्रेजेंट करते थे, और बड़े कन्विंसिंग अंदाज में जो है कि तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है उनको बहुत ज़्यादा मिस करेगा, और उनकी जो है वो कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाएगा। यकीन है, यकीन है। अरे हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।